अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। गर्मियाँ है, स्किन अजीब सी हो रही है फेस की, हाथों की, तो उसके लिए हम एक डिफरेंट सा सिंपल सा मास्क बनाने लगे हैं। ईद भी आ रही है तो हमें इस मास्क के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले एक ब्लेंडर जग चाहिए होगा। ब्लेंडर जग के अंदर हमें डालना है एक अदद टमाटर, ठीक है। एक अदद टमाटर है, ये बड़े साइज़ का मैंने एक टमाटर ले लिया है, इसको कट कर लिया है। इसके बीज और रस टमाटर आपको पता है स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त है। इसको हम अपने ब्लेंडर जग के अंदर डाल देंगे और क्या जाएगा इसके अंदर। अच्छा, और जो दो चीज़ें हैं वो मैंने साबुत आपको दिखाने के लिए रखी हैं, इसलिए कि चीनी वैसे खाने के लिए ये पॉइजन, वाइट पॉइजन कहते हैं इसको, बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं, लेकिन स्किन के लिए ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। और क्या है, चावल भी हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए, वाइट करने के लिए, डिहाइड्रेट रखने के लिए बेस्ट है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके आप इसका वैसे भी पाउडर बना के फ्रिज में रख दें, अक्सर हम मास्क वगैरह बनाते रहते हैं उसके अंदर यूज़ करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें मिक्स करके मैंने ग्राइंड की हैं, ठीक है। चीनी, एक चम्मच चीनी और एक चम्मच चावल, कच्चे चावल लेने हैं आपने। इसको ग्राइंड करके ये देखें इस तरह का पाउडर बन गया है। अब मैं इसको इसके अंदर पाउडर डालूंगी। अब हम इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डालेंगे, पानी भी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको हम ग्राइंड करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा, ये जो है मैंने टमाटर और चावल और चीनी का जो पाउडर मैंने बनाया था वो डाल के, एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया। अगर ग्राइंड करते हुए लगे आपको कि थोड़ा थिक है तो आप इसके अंदर एक या दो चम्मच अरके गुलाब रोज़ वाटर वो भी डाल सकते हैं, वो भी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आजकल गर्मियों में स्किन के ऊपर एक पसीना आके, ख़ास करके हम जैसी हाउसवाइफ्स किचन में काम करना है, हीट के सामने जाना है, तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो जाती है। आप ये बनाएं और इसको एक आइस क्यूब जो है वो ट्रे ले लेते हैं हम, और इसको एक दफ़ा हम बना के रख देंगे। रोज़ की जो टेंशन है, रोज़ कौन बनाए, स्किन के लिए क्या बनाएं, कैसे बनाएं, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे, घर की रूटीन, तो इस तरह का आप बना के इसको आइस क्यूब में रख दें। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको फेस के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। ये आप करें इसको इस तरह के, आप बना के ये देखें हमारी जो चीनी है और हमारा जो चावल है, चीनी और चावल और टमाटर बेस्ट है स्किन के लिए। ये देखें, ये हमारे आइस क्यूब्स जो हैं इनको बनाने के लिए मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जी हमारे टमाटर के और वो जो चावल का आटा और चीनी डाली थी उसके आइस क्यूब रेडी हैं। बहुत ईजी है, फ़ौरन से आप फ्रिज में से स्किन पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, आप एक आइस क्यूब निकालें और अपनी स्किन के ऊपर इस तरह रब करें। ये देखें इसका टमाटर, आपको पता है स्किन के लिए कितना बेस्ट है। चीनी के रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये कि इससे पसीना जो है वो स्किन पे बहुत कम आएगा, और उसके बाद ये एक स्किन जो है ग्लो करेगी, शाइन करेगी, बहुत ज़बरदस्त है। ये गर्मियों के लिए डेली आपको बनाना नहीं पड़ा, बना हुआ पड़ा हुआ होगा, आपने फ़ौरन जैसे इसको अप्लाई करना है, थोड़ी देर ये फेस पे लगा रहे, ये खुद ही ड्राई हो जाएगा, फिर आप उसके बाद अपना फेस वॉश करें, इंशाल्लाह देखिए आपको इंस्टेंट रिजल्ट इससे मिलेगा। ये ज़रूर बनाएं जल्दी जल्दी, बहुत शदीद गर्मी है, आप भी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।